नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रिया शेख। मकर संक्रांति के इस त्यौहार पे, इस कार्यक्रम में आज हम छावनी दर्जी गली में हैं, जहां काफ़ी धूमधाम से यात्रा निकाली जाती है। उसका उद्देश्य क्या है, आइए हम जानते हैं यहां के ट्रस्टी लोगों से। क्या नाम है? तो मैं गणेश सोमेवार, इस शिव मंदिर देवस्थान पंच कमेटी संस्थान का कैशियर हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पर्व है, हिंदुस्तान का कई सालों से चला आ रहा पर्व है। हम लोग साउथ से यहाँ पर निवास करने आए हैं, अंग्रेजों के ज़माने से करीब करीब 100 साल या 125 साल पहले से हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तब से हमने साउथ की परंपरा को बरकरार रखने के लिए और महाराष्ट्र की परंपरा जो मकर संक्रांति है उसको भी कायम रखते हुए दोनों को मिलाकर हम यह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। करीब करीब 100-125 साल से हम लोग ये त्यौहार मना रहे हैं। इस साल लेकिन कोरोना की वजह से ये त्यौहार उतनी अपनी गरिमा के अनुसार नहीं मनाया जा रहा है। सीमित संख्या में कुछ ही लोग जो सरकारी नियम हैं, जैसे सैनिटाइज करना, ग्लोव्स पहनना और दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, SMS का पूरी तरह पालन कर रहे हैं और इस त्यौहार को शांतिपूर्वक भाईचारा की रीति को निभाते हुए इस त्यौहार को मनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यदि सभी लोगों का सहयोग मिला तो हम इसी प्रकार यह त्यौहार को आगे बढ़ाएंगे और अगले साल यदि वातावरण अच्छा रहा तो पूरी शक्ति से, धूमधाम से, श्रद्धा से इस त्यौहार को हम मनाएंगे। मैं देख रहा हूं कि पालकी निकाली जा रही है यहां से, शिव मंदिर से, छावनी से, और ये कहां जाएगी और कितनी दूर से घूमकर फिर वापस आएगी या कैसे रहे, क्या प्रोग्राम है? ये जो पालकी निकल रही है ये भगवान गरुड़ महाराज के, विष्णु वाहन जी के वाहन हैं, जो विष्णु जी को सब जगह लेकर जाते हैं। तो हम लोग साल में एक बार उनको लेकर जाते हैं, जो छावनी मंदिर से निकलकर पूरे परिसर का भ्रमण करने के पश्चात वापस यहाँ पर आती है। उसके पश्चात दही हंडी होती है और दही काला का वितरण किया जाता है। पहले तो हम लोग महाप्रसाद का आयोजन करते थे, लेकिन इस वर्ष हम ऐसा ना करते हुए केवल प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रख रहे हैं। मैं आपसे, आप बुज़ुर्ग इंसान हैं और आपकी आप बड़े हैं, मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो देश के बच्चे हैं जो नायलोन के मांझे से अभी पतंग उड़ा रहे हैं, और कहीं हमारे नागपुर में भी कहीं ऐसे केसेस हो गए जिनके गले कट गए हैं, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो बच्चे हैं जिनको पतंग उड़ाने का शौक़ है वे बेशक उड़ाए, लेकिन ऐसी जगह से उड़ाए कि कोई रास्ता उसमें व्यवधान ना डाल पाए, क्योंकि अभी अभी एक 20 साल के बच्चे का गला कटने की वजह से देहावसान हो गया है। इसलिए बच्चों से नम्र निवेदन है कि वे पतंग उड़ाते समय मैदान में जाए या ऐसे सुनसान जगह पे उड़ाए कि किसी को अपने प्राण या किसी प्रकार की दुर्घटना का अंदेशा ना हो, कोई डर ना हो, और आप लोगों पर भी इतनी छोटी उम्र में कोई कानूनी कार्रवाई हो। इन सब से बचने के लिए ये सब देखते हुए आप लोग पतंग उड़ाएं। कृपया मेरी बात को ध्यान में रखें कि पतंग उड़ाते समय किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसका ख्याल रखें। बिल्कुल, पतंग उड़ाना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन नायलोन का मांझा यूज़ करना ये गैर कानूनी है। किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का बेटा कहीं परिवार से जुदा ना हो जाए, इसलिए आप नायलोन का मांझा ना यूज़ करें और घर शौक से पतंग उड़ा सकते हैं। तो ये आज छावनी में एक बहुत ही बढ़िया धर्म स्थल है शिव मंदिर, जहाँ से ये पालकी निकाली जा रही है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख।